दोस्तों सैमसंग बहुत जल्द अपने जी सीरीज के दो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस भारत में लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों जिस वीडियो में हम लोग सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस के राइट साइड में यानी कि जहाँ पे पावर बटन होता है वहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें 6 इंच की HD प्लस इन्फिनिटी डिस्प्ले हो सकता है। इसमें 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा हो सकता है जो कि LED फ्लैश के साथ आएगा, और साथ में इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में 3 GB रैम के साथ 32 GB का स्टोरेज हो सकता है, और साथ में 4 GB रैम के साथ 64 GB का स्टोरेज हो सकता है, और इसके इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड किया जा सकेगा 256 GB तक। दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें 1.6 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर हो सकता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस एक डुअल सिम डिवाइस होगा जो कि 4G को सपोर्ट करेगा, और ये Android 8.1 यानी कि ओडियो आउट ऑफ द बॉक्स रन कर सकता है। दोस्तों इसमें 3300 mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है जो कि आपको मिक्स यूजेज पे एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप दे देगा। तो दोस्तों यही थे सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस की स्पेसिफिकेशंस। अब ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इसे किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया जाता है, और साथ में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।